and the devil. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ शैतान लूसीफर की असली कहानी के बारे में, कि कैसे एक एंजल्स ने धीरे धीरे शैतान का रूप ले लिया और क्यों उस शैतान को देवता माना जाने लगा। हालांकि लूसीफर जो कि एक नर्क का देवता है, फिर भी बहुत से लोग इसे अपना हीरो मानते हैं, इसे सुपर हीरो समझते हैं। तो चलिए जानते हैं शैतान लूसीफर की कहानी के बारे में। तो साल 2015 में नेटफ्लिक्स पर आई वेब सीरीज लूसीफर ने बहुत सुर्खियां बटोरी, क्योंकि इस वेब सीरीज में लूसीफर यानी कि नर्क के देवता की कहानी के बारे में बताया गया था। हालांकि इस वेब सीरीज में कहानी को काफ़ी बड़ा चाड़ा कर दिखाया गया था, लेकिन फिर भी इस कहानी को ऑडियंस ने खूब पसंद किया। तो एक बार लूसीफर की कहानी जानने के लिए इस वेब सीरीज़ को एक बार देखना तो बनता है। हालांकि बाइबल माइथोलॉजी के अनुसार अच्छाई के देवता को गॉड यानी ईश्वर कहा जाता है और बुराई के देवता को लूसीफर या शैतान कहा जाता है। तो दुनिया में ऐसे बहुत से लोगों के होने का दावा है जो शैतान की पूजा करते हैं, और ऐसे लोगों का एक सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े होने का भी दावा माना जाता है, और इस सोसाइटी का नाम है इल्लुमिनाटी। अब इल्लुमिनाटी क्या है? तो धरती के सारे पापों की शुरुआत थी, तभी से लूसीफर बुराई का देवता बन गया और अपने अनुयायियों को अपने बनाए रास्ते पर चलने की सीख देने लगा। बदले में वह अपने अनुयायियों को बेशुमार दौलत और शोहरत देने का वादा भी करता है ना। तो इस तरह लूसीफर की लोग पूजा करने लगे और इस दुनिया में बुराई का फैलाव बढ़ता गया।
आज भी लोगों का एक बड़ा सा ग्रुप ऐसा है जो लूसीफर को अपना भगवान मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। वर्टिकल में एक ऐसा चर्च भी है जहां लूसीफर नाम के शैतान की पूजा की जाती है। लूसीफर की पूजा करने वाले यह लोग अपनी पहचान को छिपा कर रखते हैं, है ना, और एक सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा है। इस सीक्रेट सोसाइटी के सदस्य में दुनिया के सबसे शक्तिशाली, प्रभावी और प्रसिद्ध लोग शामिल हैं। इन लोगों ने बहुत ही जल्दी से बुलंदियों को छुआ है। तो दोस्तों, आपको लूसीफर की यह कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके। ओके दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यह एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ना, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि लोग सच में लूसीफर की पूजा करते हैं, है ना, या कोई सी सीक्रेट सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, हो सकता है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से इस दुनिया में अच्छाई मौजूद है उसी तरह से दुनिया में बुराई भी मौजूद है, है ना। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको एडम और ईव की कहानी बताऊंगा कि किस तरह उन्होंने अच्छाई और बुराई के पेड़ से फल खा लिया और भगवान ने फिर उन्हें किस तरह से पनिश किया और सजा दी। तो यह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि बाइबल माइथोलॉजी पर आधारित है, है ना। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको शैतान लूसीफर की असली कहानी सुनने में बहुत मज़ा आया हो तो नीचे कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। ऑलराइट, तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।